किसी का अधिक्रमण मिलेगा वहां से, तो पूरी यहाँ ईओ साहब बैठे हैं, ईओ साहब की गाड़ी कल से दौड़ना शुरू हो जाएंगी। जो भी ईओ साहब मिले यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और इंस्पेक्टर साहब जो भी जिसकी गाड़ियां मिले सबको सामान लदवा के अपना जब्त कर लीजिएगा और चालान अलग करिएगा। ये पहले बात है, क्लियर मैसेज आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सड़कों किनारे अवैध कब्जे हटवाने को प्रशासन हुआ सख्त। इसी क्रम में उपजिलाधिकारी धामपुर विजयवर्धन तोमर और पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ अतुल प्रधान ने थाना कोतवाली प्रांगण में किया सीधा संवाद। अफजलगढ़ नगर में हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए कोतवाली प्रांगण में ट्रांसपोर्टरों, फल के ठेले लगाने वालों, ई रिक्शा चालकों सहित व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क किनारे बाजार में अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देशित किया गया। मंगलवार को कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी धामपुर विजयवर्धन तोमर और पुलिस क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ अतुल प्रधान ने सभी ट्रांसपोर्टरों से चौराहों पर बस, टेम्पू या ई रिक्शा आदि न खड़ा करने और फल ठेले वालों से चौराहों पर ठेले न लगाने व नगर पालिका की ओर से निर्धारित स्थान पर ही ठेले लगाने को कहा। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को हटाने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय तक वे स्वेच्छा से अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। इस बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, कस्बा इंचार्ज अनोखे लाल गंगवार, चेयरपर्सन पति सलीम अहमद, एडवोकेट जाहिद अली खान, सुशील रस्तोगी, ठाकुर अमित कुमार आदि लोग शामिल रहे। देखिए जनसंवाद की यह रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करीब 4-5 दिन पहले निर्देश दिए गए थे कि अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखा जाए और कैसे हम दुर्घटनाएं हमारे कम हो, और सड़क सुरक्षा सप्ताह मना के निर्देश दिए गए थे। तो उसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं के क्रम में हम लोगों ने आज व्यापार मंडल और जो भी यहाँ पे टैक्सी यूनियन है सबके साथ मीटिंग करी। तो इस पर सबको निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी सड़क पे किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं करेगा। दुकानदार जो अपने जहाँ तक उनकी दुकानें हैं वहीं तक अपने दुकान तक सीमित रहेंगे। सड़क पर कोई भी सामान नहीं रखेगा बाहर। इसी तरह किसी भी जो हमारे अवैध रूप से यहाँ पे लोग गाड़ियाँ सड़क में रोक देते हैं, चाहे वो प्राइवेट बस वाले हों चाहे वो सरकारी बस वाले हों, सबको निर्देश दे दिए गए हैं कोई भी सड़क पे चौराहे पे कोई बस नहीं रुकेगा। जो निर्धारित स्थान है वहीं पे अपना गाड़ी रुकेंगे, वहीं से सवारियाँ भरेंगे। इसी तरह टेम्पो स्टैंड वाले जो भी होते हैं उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अपना एक जगह टेम्पो स्टैंड अपना बनाएंगे वो लोग, और वहीं से गाड़ियों का संचालन करेंगे। ई रिक्शा के लिए भी सबको निर्देश दे दिया गया है कि सब एक साथ में अपना बनाएंगे और सड़क पर अनावश्यक रूप से नहीं उसमें इधर उधर भगाएंगे। वन वे सिस्टम हमने लागू कर रहे हैं कि वो एक तरफ से जाएंगे और दूसरी तरफ से निकलेंगे बाहर। इसके अतिरिक्त तो जो हमारे यहाँ पॉलीथीन पर जो विशेष जोर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो उसके क्रम में सभी लोगों को बता दिया गया है कि हमारी नगर पालिका और पुलिस की टीम लगातार भ्रमण करेगी। पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह निषेधित किया गया है, ये 2-3 साल पहले आदेश हो चुका है, उसका हम लोग क्रियान्वयन करेंगे और जो भी पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए हमें मिलेगा उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। Don't forget to like, comment.